हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे। बढ़िया तो ये हमारा बहुत प्यारा सीते इंटरनेशनल, ऐसे ही बोलते हैं ना, सीते इंटरनेशनल। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव जगह पर। लगता है औकात से बाहर की जगह है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। मैं हूँ और मेरे साथ है ये, कौन हो भाई? हाय, बोलो कौन हो। क्या आप देख सकते हो, ऑटम का महीना आ गया है। ऑटम का महीना तो नहीं होता, खैर सीजन होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऑटम इस महीने आ गया है। तो ये वो गेट है 27, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम यहाँ से एंटर हुआ था। तो मुझे कुछ नहीं मालूम था कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है। तो ये देख सकते हो, ट्रैम यहाँ आ गई है और ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इले दी फ्रांस। तो मतलब ये यहाँ पर फ्रांस में, ये पेरिस रीजन की ट्रैम है। और हमारे ये इस रेजिडेंस के साथ ही आगे एक स्पोर्ट्स है, फुटबॉल ग्राउंड है आई मीन। तो लास्ट टाइम मैंने एक ब्लॉग में आपको दिखाया था कि बहुत सारे हाउसेज हैं। ये है मैज़ोन दिल अर्जेंटीना, तो ये अर्जेंटीना हाउस है। आपको उधर झंडा भी दिख रहा होगा, झंडा। ये ट्रैम है और वो सामने जो ऑफिस दिख रहा है, ऑफिस तो नहीं है, वहाँ से हम जो है ट्रेन में बैठना है। ट्रैम नहीं, ट्रेन में बैठना है। ट्रैम ये गई, वो ट्रेन है। और ये हमारे सीते इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दी पेरी पगी पगी। दिस इज़ नॉट पेरिस, दिस इज़ पगी। भाई चेंज ऑफ प्लान्स हैं, हम गलती से वहाँ चले गए थे, लेकिन हमें वहाँ जाना नहीं था। तो अभी हम ट्रैम में बैठेंगे, यहाँ से कोई 4-5 स्टॉप है, उसके बाद फिर वहाँ से हमने आगे मेट्रो पकड़ लिया। ये ट्रैम है और ये यहाँ का ये स्टॉप है सीते यूनिवर्सिटी आजम। ये हमारा कार्ड, भाई ये है मेट्रो स्टेशन, वो आप देख रहे हो 00 लिखा हुआ रहा है। तो आ रही है, आ रही है, तो वो आ भी गई। और ये ऐसा गुफा है, गुफा। हम यहाँ मेट्रो से उतरे, ये M7 आपको दिख रहा होगा ना, मेट्रो, अब इसका नाम नहीं पता क्या लिखा है। तो ये जा रही है वड़ाइचा एक्सप्रेस। और यार ये सीन चेक करो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पीछे चेक करो। अब ये क्या लिखा है नहीं पता, H&M का कुछ है। ये व्लॉग जो है ना, मेरा जो है लास्ट व्लॉग होने वाला है। अब बोलो क्यों? इस फ़ोन से है। क्यों? क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ पर। लेट्स सी, अंदर चल के देखते हैं क्या अपडेट्स हैं। तो देखो आप, रश भी चेक करो, रश कितना है। तो यहाँ पर ये लगे हैं कवर्स, और चल के देखते हैं क्या क्या लगा हुआ है। इधर आओ, मैकबुक प्रो। भाई ये सारी चीज़ें ना औकात से बाहर वाली चीज़ें। अच्छा, इधर भी चिल्लड़ होता है, वाओ। पैसे देखो और यहाँ से निकलो, सब औकात से बाहर है भैया। ये सिंपल आईपैड है, ये वही है जो मेरे पास है। ये 439 का हमने बहुत सस्ते में लिया है। तो अंदाज़ा लगा लो भाई यहाँ पर कितना महंगा होगा कोई भी। ये नई सीरीज़ की जो वॉच आई है, और ये 15 प्रो, तो ये 15 प्रो है। और हाथ में लेती पता चल रहा गर्म हो रहा है, हाथ लगाओ। भाई ये तो गर्म हो रहा है, हमको डर लग रहा है तो। और ये है 15 प्लस, अच्छा फोन है। और ये मैक्स भाई है, ठीक है, ले देखे अपने काम की चीज़ देखना। आईफोन 15, और ये है 969 का, ठीक है। आपको इसका कैमरा दिखाते हैं, बड़ी तारीफें इसकी हुई है। तो ये वाइड एंगल है, और हम इसको वीडियो चेक करते हैं। अपने को वीडियो से काम है ना यार इसका, हम अच्छा है। भाई सीन ये है ना कि हमने फ़ोन देख लिया वहाँ पर कि हमने कौन सा लेना है, और अभी उसने हमें बताया कि आप यहाँ मेन गेट पे खड़े रहो, जो उनका कोलीग है, जैसे कि ये है, ये मुझसे पहले खड़े हैं, इन्होंने भी कुछ लेना है। तो हमने पहले इसको बताना है कि भाई हमने ये प्रोडक्ट लेनी है, तो ये फिर हमें कॉल करेगा और फिर पता नहीं उसके बाद क्या होगा। तो लेट्स सी, एक नया एक्सपीरियंस है भाई, देखते हैं क्या होता है। कहानी का अगला हिस्सा बताता हूँ आपको। उसने हमें वहाँ से कहा कि आप यहाँ आओ और लाइन में खड़े रहो।
और देखो ये हमसे पहले ना यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, तो ये सारे ख़रीदार हैं, तो हम भी अब इस लाइन में लगे हैं। तो जो भी है ना वो पता नहीं कहाँ से लेके आएगा, नीचे से लाएगा, ऊपर से लाएगा, उसने कहा कि वो हमारी प्रोडक्ट ला के यहाँ खड़े खड़े बेच के जाएगा। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये मैकबुक प्रो है, पता नहीं प्रो है या एयर है, एक सेकंड। तो भाई हम ना यहाँ पर अपनी वीडियोस लगा के चले जाएंगे, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? सो गाइस पेमेंट हो गई है, 3 लाख रुपया लग गया। ये हमारा फोन आ गया है, वेयर इज माई नेम, ओके, वेयर इज माई नेम एंड माई ईमेल, ओके ओके, थैंक यू, यू वेलकम। हो गई हमारी शॉपिंग कंप्लीट और ये हमारा पैक जो है कटा हुआ सेब ये हमें मिल गया है। तो अब इसकी अनबॉक्सिंग हम घर जाके करेंगे और एक नई वीडियो बनाएंगे अनबॉक्सिंग की। यार फ़ोन तो ले लिया है, लेकिन बात ये है ना, पहले एक अलग सी ना एक्साइटमेंट थी कि मैंने फ़ोन लेना है, फ़ोन लूँगा। तब 15 आया नहीं था, मैंने सोचा 14 लूँगा, जस्ट सिंपल 14। इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने फ़ोन लेना है। अब एक वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, लेकिन दूसरी खुशी ये है कि मैं फ़ोन लेने के बाद इस तरह ना ऐसे हाथ में लेके घर जा सकता हूँ। मुझे याद है जब मैंने लास्ट टाइम लिया था कराची में, मैं कहाँ फ़ोन रख के घर गया था ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये है कि मैं ऐसे खुले में लेके घर जा सकता हूँ। गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए हमें दो इजाज़त, वस्सलाम, शब्बा खैर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।